आईपीएल में कितनी होती है बीसीसीआई की कमाई और कितना मोटा पैसा कमाता है बीसीसीआई, ये बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आईपीएल 2022 की शुरुआत आज से होने वाली है। आईपीएल 2022 में 10 टीमें हमें खेलते हुए नज़र आएंगी। तमाम तैयारियां इसको लेकर हो चुकी हैं। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक आईपीएल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आईपीएल के इतिहास की बात करें तो आईपीएल टी20 क्रिकेट में खेले जाने वाली लीग है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका आयोजन बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। 2008 में 8 टीमें हुआ करती थी। इसके बाद 2011 में कोची टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स दो टीमें जुड़ी, जिसके बाद टीमों की संख्या 10 हो गई, लेकिन इसके बाद फिर से 8 टीमें खेलने लगी और अब 11 साल बाद आईपीएल में 10 टीमें खेलती ही नज़र आएंगी। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आईपीएल में बीसीसीआई और टीमें कैसे कमाती हैं, कितना मोटा पैसा बीसीसीआई कमाती हैं। आपको बता दें कि आईपीएल से होने वाली कमाइयों को 3 हिस्से में बांटा जाता है, जिसमें कि मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप और तीसरा विज्ञापन जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा लोकल रिवेन्यू भी इसमें शामिल होता है। मीडिया ब्रॉडकास्ट की बात करें तो आईपीएल की शुरुआत में अब तक सबसे मोटी कमाई का हिस्सा इसी के जरिए आता है। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि आईपीएल किस चैनल पर दिखाया जाएगा, मैचेस कहां पर आएंगे, ये तमाम राइट्स इसमें शामिल होते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, तब से 2017 तक मीडिया राइट्स सोनी के पास हुआ करते थे। इसके लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपये बीसीसीआई को दिए थे। इसके बाद 2018 में एक बार फिर से बोली लगाई गई और स्टार स्पोर्ट्स ने इस बोली को अपने नाम कर लिया और इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई को एक मोटी कमाई दी जो कि 16,347 करोड़ रुपए है। 2022 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास ही बीसीसीआई के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन हो चुका है और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के राइट हैं। इसके अलावा 2023 यानी कि अगले साल एक बार फिर से मीडिया राइट्स की बोली लगेगी, जो कि अनुमान है कि 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिक सकती है। इसके बाद बात करें बीसीसीआई की कमाई की, तो मीडिया राइट्स के जरिए कमाई में 20% हिस्सा बीसीसीआई रखता है और इसके बाद 80% पैसा टीमों को मिलता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़कर 50% वाला हिसाब हो गया, यानी कि 50% बीसीसीआई का और 50% टीम्स का। अब बात कर लेते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की, जो कि दूसरा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब जो कंपनी या जो बड़ा नाम आईपीएल को टाइटल को स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि पहले डीएलएफ इसको स्पॉन्सर करती थी, इसके बाद पेप्सी आई, बाद में वीवो आया, एक साल के लिए ड्रीम इलेवन आया और अब टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है और इस बार टाटा आईपीएल होगा। आपको बता दें कि 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए देश के सबसे बड़े रियल स्टेट डेवलपर्स में से एक डीएलएफ ने आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सर किया, जिसके लिए उसने 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद अगले 5 साल के लिए पेप्सी आई, जिसने 397 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि पेप्सी अपने करार से 2 साल पहले ही हट गई थी और इसके बाद में वीवो आई, वीवो ने 2016-17 के लिए 200 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे। इसके बाद 2018 से 22 तक का 5 सीज़न का करार वीवो का हुआ, जिसके लिए वीवो ने बीसीसीआई को 2,199 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भारत और चीन के बीच जब विवाद हुआ तब 2020 में ड्रीम इलेवन ने टाइटल स्पॉन्सर किया, जिसके लिए उसने 222 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि 2021 में यानी कि पिछले सीज़न में एक बार फिर वीवो ने वापसी की और उसने 439.8 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी। इसके बाद 2022 में एक बार फिर बोली लगाई गई और इस बार टाटा ने बाजी मारी और 2 साल के लिए टाटा ने 600 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है। इसके बाद आपको बता दें कि बीसीसीआई और टीम को इसके जरिए 2018 से 22 तक मोटी कमाई हुई है। बीसीसीआई को 2018 से 22 तक 18,500 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। विज्ञापन और प्रमोशनल रिवेन्यू की बात करें तो टीवी विज्ञापन प्रमोशन के तहत खिलाड़ियों, अंपायरों की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान, बाउंड्री लाइन पर दिखने वाले कंपनियों के लोगो आदि से भी पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा लोकल रिवेन्यू में टिकट आदि शामिल होते हैं। टिकट के जरिए एक मैच में
करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जिसमें 80% घरेलू टीम को जाता है, यानी कि कोलकाता में मैच हुआ तो कोलकाता की टीम को उसका 80% मिलता है और इसके अलावा बाकी पैसा अन्य जगहों पर जाता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से इस कमाई में गिरावट आई है। टीम्स की बात करें तो टीम मोटा पैसा कमाती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट के जरिए 50% मिलता है, यानी कि 16,347 करोड़ रुपए जो स्टार्स स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई को दिए 5 साल के लिए, उसके तहत 8,173 करोड़ रुपए 8 टीमों को मिलेंगे। हर टीम को 1,021 करोड़ रुपए, यानी कि हर साल टीम को ब्रॉडकास्टिंग राइट से 205 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप के जरिए भी टीम्स कमाएंगी, वहीं विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू जैसे कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जियो का ऐड करते हुए नज़र आते हैं तो उसके जरिए भी वो मोटा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा लोकल रेवेन्यू में टीम को 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई हर मैच में होती है। आपको बता दें कि एक अनुमान है कि हर टीम को लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई हर साल होती है, जो कि नेट रिवेन्यू है। हालांकि टीम का खर्चा निकाल कर देखिए तो टीम 150 करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन अगर खर्चे को भी इसमें जोड़ा जाए तो हर टीम हर साल लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती है। इसके अलावा विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, रनरअप को 12.5 करोड़ मिलते हैं, तीसरे और चौथे नंबर की टीम को 9.25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसके तहत भी टीम का पैसा इससे जोड़ा जाए तो 170 करोड़ रुपए तक की कमाई हर टीम एक साल में करती है। तो इतनी मोटी कमाई बीसीसीआई और टीम्स को होती है, तभी हम देखते हैं कि आईपीएल में जब बोली लगाई जाती है तो तमाम बड़े नाम इसको लेकर सामने आते हैं और मोटी बोलियां लगाते हैं। बीसीसीआई लगभग 16,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई 2018 से 22 तक कर चुका है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।